रखवाई लक्ष्मी नो अवतार हो। इकरी मारी लाडकवाई लक्ष्मी नो अवतार। हे सुवे तो रात पड़े ने जागे तो सवार। दिकरी मारी लाडकवाई माँ बापनी हृदयनी लागणीओने वाचा आपतू एक नवलू नजराणू एटले दीकरी। स्नेहना स्मित छलकावती गाघरनू सागर एटले दीकरी। घरना संस्कारनू ढाकणू एटले दीकरी। आंसुओना बूंदमा टपकतू मोती एटले दीकरी। विधाताए दीकरी केवी रीते घड़ी जेना माटे कवि हृदय कहे छे भगवाने एक दीकरानुं सर्जन करवा माटे जेटलो समय लीधो एनाथी सवायो समय एक दीकरीना सर्जन माटे लीधो। पोताना ज बनावेला ब्रह्मांडमां एक दीकरीना सर्जन माटे भगवाने भिक्षुक बनी हाथ लांबो कर्यो। नदी आगळथी निर्मळता लीधी, सागर पासेथी गंभीरता लीधी, पर्वत पासेथी अटलता मांगी, फूलो पासेथी फोरम स्वीकारी, तारलाओ आगळथी टमकार लीधो, सूरज आगळथी किरणनुं तेज लीधुं, आकाश आगळथी विशाळता मांगी अने धरती आगळ सहनशीलता मांगी, चंद्र आगळथी चांदनी मांगी अने वहेता पवन साथेनी लहेर लीधी, मेघराजा आगळथी झरमर वर्षा मांगी। આમ કુદરતનું અણમોલ સૌંદર્ય જ્યારે ભેગું થયું ત્યારે અનંત ગુણોના કુબેર સ્વરૂપે એક દીકરીનો જન્મ થયો। આવી દેવની દીધેલ લક્ષ્મી સ્વરૂપમાં આ અવની ઉપર માં જગદંબાના સ્વરૂપમાં કેટલીય દિવ્ય શક્તિઓ પુણ્યવંતા આત્માઓના ઘરે બિરાજમાન છે। દીકરી માનું મન કહેવાય, દીકરી ભાઈનો હેત કહેવાય, ભાભીનો વહાલ કહેવાય, પણ બાપનું તો હૃદય કહેવાય। એટલે જ તો કવિ કહે છે દીકરો એ પિતાનું રૂપ છે, જ્યારે દીકરી પિતાનું સ્વરૂપ છે। દીકરો એ પિતાની દવા છે તો દીકરી એ પિતાની દુવા છે। દીકરો આરસ છે તો દીકરી પારસ છે। દીકરો દયા છે તો દીકરી દાન છે। માટે જ દીકરી વગરનું ઘર અને દીકરી વગરનો બાપ ખાલી ખમ છે। वाकई बड़ा ही अजीबो गरीब प्यार है तुम बाप बेटी में। रहीम साहब, इसी के सहारे तो जिंदा हूँ। पर ना इस उम्र में ये उछलना कूदना कहाँ शोभा देता। बस यूं ही उछलते कूदते रहो, यही दुआ है। करण भाई, तुम्हारी दुबई में नौकरी पक्की हो गई है। अच्छा, 6 महीने का काम और बढ़िया दाम। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट और बाकी सब जरूरी कागजात। हाँ करण भाई, वो सुमन बिटिया के बारे में क्या सोचा है? सोचता हूँ सुमन को शहर में अपने दोस्त किशन के यहाँ छोड़ दूँ। बहुत चिंता है ना मेरी, इसलिए छोड़ के जा रहे हो। तेरी ही तो चिंता है पगली। पैसा कमाना है, घर को सजाना है, तुझे पिता जो करना है। गंगा, 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 अरे तू यहां अकेली बैठी है? हाँ, ये क्या, इधर सगाई पक्की हो गई और तू रो रही है? जानता हूं पापा को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा ना। हमें नहीं जाना है कहीं। जाना तो होगा बेटी,
बेटियां तो एक दिन अपने घर चली जाती हैं, अपनी माँ को छोड़कर, अपने पापा को छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। खरेखर दीकरी ए प्रेमनी परिभाषा नू प्रतीक छे। अवी अनेक दीकरीओ छे जेने हजी सुधी जवाब नथी मळ्यो के बापना घरे हूँ पारकी, सासरियामां पण हूँ पारकी, तो हूँ सगी कोनी? त्यारे भगवान जवाब आपे छे, हे दीकरी, तने कोईनी साथे संबंध बांधवानी जरूर नथी, अने तने संबंध बांधवा आ धरती पर नथी मोकली, तने तो आ धरती पर संबंध नू सर्जन करवा माटे मोकली छे। એટલે તો તું જન્મદાતા કહેવાય છે, દરેક માનવ જીવને જન્મ આપવાનો હક માત્ર તને છે, કારણ કે મમતા સમતા અને સભ્યતાનું તું પ્રતીક છે। એટલે જ તો દીકરી કહે છે, ક્યારેક ક્યારેક જરા સાંભળજો પોતાના પિતાને અને પોતાની માતાને। જેના માટે કવિ હૃદય કહે છે કે કોમ્પ્યુટરની કોઈ પણ ફાઇલને કન્વર્ટ થતાં 20 મિનિટ લાગે, પણ એક દીકરીને કન્વર્ટ થતાં ચોથા ફેરામાં માત્ર 5 મિનિટ લાગે છે।